हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लास. दिस इज़ चैप्टर 16 ऑफ अवर इंग्लिश बुक एंड द टाइटल ऑफ चैप्टर इज सेलिब्रेटेड पेंटर विदाउट हैंड्स. सेलिब्रेटेड मतलब यहाँ पर है जाना माना, फेमस. ठीक है, पेंटर आप जानते होंगे जो पेंटिंग बनाता है. तो ये स्टोरी एक ऐसे पेंटर की है जिसके हाथ नहीं है, ठीक है, और वो काफ़ी जाना माना पेंटर है. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ इसमें. अ पेंटर ड्रॉज नाइस पेंटिंग्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स इन हिज ब्रश विथ हिज हैंड्स. कैन यू इमेजिन अ पेंटर विदाउट हैविंग हिज हैंड्स? कैन अ पर्सन बी अ रेपुटेड पेंटर विदाउट हैविंग हिज हैंड्स? हेयर इज अ स्टोरी ऑफ लिटिल बॉय हु लॉस्ट हिज हैंड इन एन इलेक्ट्रिकल मिशैप. बट दिस बॉय इन हिज लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकेम अ सेलिब्रेटेड पेंटर. तो इस स्टोरी में हम एक ऐसे बच्चे की स्टोरी पढ़ेंगे जो कि जिसके हाथ जो है कोई उसके साथ इलेक्ट्रिकल मिशअप होता है, दुर्घटना होती है जिस कारण उसके हाथ खो जाते हैं, और लेकिन उसके बाद भी वो एक बहुत बड़ा पेंटर बनता है. ठीक है, तो उसकी हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं. काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मोरल स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट. अजीम लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन यूपी. व्हेन ही वॉज बॉर्न होल फैमिली गैदर्ड एंड सेलिब्रेशन टुक प्लेस. अजीम का जन्म कहाँ पर हुआ? अजीम कहाँ रहता है? स्मॉल टाउन, यूपी का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ रहता था और जब उसका जन्म हुआ. ठीक है, अजीम मतलब जो हमारा इस स्टोरी का करेक्टर है, मेन करेक्टर वो है. ठीक, तो जब उसका जन्म हुआ तो उसके घर में काफ़ी उत्सव मनाया गया, लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेट किया उसको. He was the first son born to his father, so wishes were made and alms were paid to the poor. क्योंकि वो अपने परिवार में पहला बेटा था अपने पिताजी का, इस कारण से जब उसका जन्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी और बहुत सारी चीज़ें बांटी गई गरीबों में. He was quick at learning how to speak and walk. He was soon sent to school when he was capable. वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीखता था, बहुत ही जल्दी उसने चीज़ें सीखी, बोलना सीखा और चलना सीख लिया, और जब वो चलने योग्य हो गए, स्कूल जाने योग्य, तब उसे स्कूल भेजा गया. ही रिटर्न आउट टू बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट टू. सॉरी, ही टर्न लिखा हुआ है, रिटर्न नहीं. तो जब स्कूल गया वो, तो ये चीज़ पता लगी कि वो जो है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी था, मतलब पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा बच्चा था वो. टीचर्स ऑब्जर्व दैट ही वॉज अ क्विक लर्नर एंड टुक अप द चैलेंजेस ब्रेवली. टीचर्स ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि वो जो अजीम है वो क्विक लर्नर और चैलेंजेस को वो बहुत ही बहादुरी से लेता है. दे फाउंड दैट ही वॉज गुड एट मैथ्स बट ड्राइंग नेवर एक्साइटेड हिम. और उन्होंने देखा कि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था लेकिन ड्राइंग उसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी. वन डे ही वेंट टू अ फेयर विद हिज फैमिली. द प्लेस वॉज फुल ऑफ कलर एंड गेयटी. एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ फेयर में गया, मेला घूमने गया. जो जगह थी वो पूरी तरह से रंगीन थी और इन्जॉय से भरी हुई थी. टूरिस्ट वर अट्रैक्टेड टू द फेयर बिकॉज ऑफ म्यूजिशियन, एक्रोबैट्स, फोक डांसर्स, ट्रेडर्स एंड कमेडियंस. और जो जाने वाले टूरिस्ट थे मेला देखने वाले, वो चीज़ों को, वहाँ जो चीज़ें हो रही थी, गाना बजाना, ठीक है, डांस चल रहा था, कॉमेडी हो रही थी, उनको देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे थे. देयर वर वेरियस स्टॉल्स ऑफ डिलीशियस स्पाइसी फूड ओवर देयर. कुछ खाने की भी दुकानें थी वहाँ, काफ़ी अच्छे स्पाइसी जो फूड थे उनकी भी शॉप्स थी. टॉयज, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, क्लॉथ्स एक्सेट्रा वर बीइंग सोल्ड टू. खिलौने, हाथ से बनी हुई चीज़ें, ज्वेलरी, कपड़े आदि चीज़ें भी बेची जा रही थी. अजीम वॉज मिसमराइज बाय द एक्सपीरियंस. हिज फादर बॉट हिम सॉफ्ट टॉयज, कैंडीज, शरबत. वो भी, अजीम भी देख कर बिल्कुल एकदम भाव विभोर था, मिसमराइज था. उसके पिता ने उसे क्या दिया खाने के लिए? स्वीट्स दी, कैंडीज़ मतलब मिठाइयाँ या टॉफीज कह सकते हैं, शरबत और कुछ खिलौने लाकर दिए खेलने के लिए. व्हेन दे वर अबाउट टू लीव फॉर होम, अजीम सॉ सम इलेक्ट्रिक कार्स हिटिंग ईच अदर ऑन अ फ्लोर. जब वो घर जाने वाले थे तो अजीम ने देखा कि कुछ कार जो थी इलेक्ट्रिक कार, वो एक दूसरे को हिट कर रही थी एक फ्लोर पर. ही वॉज इंस्टेंटली बिग्विल्ड बाय द व्यू. ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम हैव अ राइट. उसको देख कर वो काफ़ी अट्रैक्ट हुआ उस कार के प्रति और अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि उसे भी
उस पर राइड कराएं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आप फेयर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हम नेक्स्ट में देख सकते हैं, ये देखिए कार। ठीक है, इन कारों को देखकर, ये जो कार बनी हुई है इसमें अजीम भी देखकर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। बट हिज फादर रिफ्यूज, ही प्लीडेड टू हिम एंड गॉट डाउन ऑन हिज नीज, बट ऑल इन वेन। उसने पापा से, उसके पिता ने क्या किया, उसकी बात को नकार दिया, लेकिन वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, अपने घुटनों पर बैठ गया, लेकिन सब कुछ बेकार गया, उसके पिताजी ने उसकी बात नहीं सुनी। व्हेन अजीम सॉ दैट हिज फादर वॉज नॉट गिविंग इन, ही थॉट फॉर अ मूवमेंट एंड रैन अवे एंड जम्प्ड ऑन द फ्लोर वेयर अदर किड्स वर राइडिंग इलेक्ट्रिक कार्स। जब उसके पिताजी ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने क्या किया, उसने दौड़ लगाई उस फ्लोर पर जहाँ वो कारें चल रही थी, ठीक है, और जंप कर गया। अदर किड्स, जहाँ पर बाकी बच्चे कार पे बैठे राइड कर रहे थे। सिंस द फ्लोर वॉज फर्निश्ड विद इलेक्ट्रिक करंट, अजीम गॉट इलेक्ट्रिक शॉक। क्योंकि वो जो फ्लोर था वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट लगा हुआ था, मतलब करंट दौड़ा हुआ था उस पर, तो अजीम को क्या हुआ, जैसे उसने जंप किया उसको शॉक लगा। हिज होल बॉडी स्टार्टेड टू क्यूवर, उसकी पूरी बॉडी जो है कपकपाने लगी। हिज पेरेंट्स वर शॉक्ड व्हेन दे सॉ देयर सन रिदिंग अराउंड द फ्लोर। द ओनर ऑफ द प्लेस क्विकली शट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड अजीम फेल ऑन टू द फ्लोर। जब उसके फादर ने देखा कि अजीम जो है वहाँ पर कपकपा रहा था, और फिर जो है जो ओनर था वहाँ का उस प्लेस का, उसने देखा और वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसने बंद की और अजीम जो है उस फर्श पर गिर गया। हिज फैमिली रश टू पिक हिम अप, उसकी फैमिली आई अजीम की और उसे वहाँ से उठाया। ये देख सकते हैं, उसे शॉक लगा अजीम को। ठीक है, इस फ्लोर पर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रन करती है जिससे कारें मूव करती हैं, राइट। होल फैमिली रश टू हॉस्पिटल, अजीम वॉज एडमिटेड टू ICU। पूरा परिवार हॉस्पिटल गया और अजीम को कहाँ भर्ती किया गया, ICU में। आफ्टर वीक हिज कंडीशन टर्न फ्रॉम क्रिटिकल टू नॉर्मल, कुछ सप्ताह के बाद उसकी जो कंडीशन थी वो नॉर्मल हुई, क्रिटिकल से मतलब सीरियस से थोड़ा नॉर्मल हुई। बट हिज हैंड्स हैड टू बी एम्पीटेटेड टिल अबव द एल्बोज, लेकिन जो उसके हाथ थे, ठीक है, उसके हाथ एल्बो तक, कोहनी तक क्या हो चुके थे, बेकार हो चुके थे। ठीक है, उनको काटा जाना था, वहाँ से कट करना था कोहनी तक जो उसके, यहाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ से उसके हाथ जो है देख सकते हैं पिक्चर में ये, ठीक है, ये यहाँ से उसके हाथ बेकार हो गए थे और इनको काटना पड़ा। अजीम वॉज इन ट्रामा एंड सो वॉज हिज फैमिली, अजीम जो है काफ़ी सदमे में था और उसकी फैमिली भी। हिज पेरेंट्स ट्राइड एवरी डील टू चीयर हिम अप बट ही वुड नॉट स्पीक, हर तरह से उसके माता पिता ने सोचा उसको मनाने की कि खुश रहे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। आफ्टर फ्यू डेज ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज किया गया। ही लिव्ड एट द सेम प्लेस अमंग द सेम पीपल बट लाइफ चेंज फॉर हिम, वो घर गए अपने उन्हीं लोगों के बीच रह रहा था जिनके बीच पहले वो था, लेकिन अब उसकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, पहले जैसी नहीं रही। ही हैड टू बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज फैमिली फॉर एवरी सिंगल वर्क, उसे अपने हर काम के लिए अपनी फैमिली पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि दोनों हाथ उसके जा चुके थे, कुछ भी चाहिए होता था वो दूसरे से ही मांगता था। ही नीडेड असिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ही वोक अप इन द मॉर्निंग टू द टाइम ही वेंट टू बेड अगेन, अजीम वॉज डीप इन डिप्रेशन। अब उसे सुबह से लेकर शाम तक सभी काम के लिए दूसरों की हेल्प मांगनी पड़ती थी बार बार, इस कारण से वो गहरे सदमे में था। हिज फादर कुड नॉट सी हिम लाइक दिस, उसके पिता इस तरह से उसे नहीं देख सकते थे। हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो वरीड अबाउट हिज फ्यूचर, उसके पेरेंट्स जो है उसके फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी चिंतित थे। वन डे अजीम्स फादर हिट अप ऑन एन आइडिया, एक दिन उसके पिता को एक आइडिया आया। ही इमीडिएटली वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वाटर कलर्स, वो तुरंत बाजार गए और कुछ वाटर कलर लेकर आए उसके लिए, पेंट ब्रश एंड ड्राइंग बुक, पेंट ब्रश और ड्राइंग बुक भी लेकर आए। ही गेव दीज टू अजीम एंड टोल्ड हिम दैट ही वॉन्टेड हिम टू पेंट ड्राइंग फॉर हिम, उन्होंने ये सारी चीज़ें अजीम को दी और कहा कि वो चाहते हैं कि उनके लिए वो पेंटिंग बनाए। अजीम वॉज बीफडल्ड बट हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही वॉज सीरियस एंड हेल्प हिम होल्ड ब्रश विद हिज
एम्पिटेटेड हैंड्स एंड ड्रॉ। अजीम जो है कन्फ्यूज था कि मेरे तो हाथ ही नहीं, मैं कैसे इसको बनाऊंगा। लेकिन उसके फादर ने उन्हें कहा कि वो सीरियस हैं और वो भी उनकी उसकी मदद करेंगे, ठीक है। और ब्रश उसको उन्होंने पकड़ाया, ठीक है। अजीम कुड मेक सम रैंडम इमेज, ही वॉज एस्टॉनिश टू सी दैट ही कुड स्टिल क्रिएट समथिंग विथ हिज हैंड्स। अजीम जो है कुछ रैंडम इमेजेस उसने बनाए और देखा कि वो अभी भी वो अपने हाथों से कुछ कर सकता है, बना सकता है। स्लोली डेज वेंट बाय एंड ही कुड क्रिएट मैग्निफिसेंट पेंटिंग। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और वो अच्छी पेंटिंग बनाने लगा, मतलब पेंटिंग वो शानदार पेंटिंग बना सकता था। हिज फादर सेट अप एग्जीबिशन ऑफ हिज पेंटिंग एंड दे कुड अर्न क्वाइट अ चंक ऑफ मनी। उसके फादर क्या करते थे, एग्जीबिशन उसका लगाते थे पेंटिंग्स का और उससे उनको पैसे भी मिलते थे। दो वर्ड ऑफ माउथ ही बिकेम रिनाउंड एज पेंटर विदाउट हैंड्स थ्रू आउट इंडिया एंड ही बिकेम अ सेलिब्रिटी इन द आर्ट वर्ल्ड। और इस तरह से जो है मुँह बोली जो पब्लिसिटी है, ठीक है, लोगों के द्वारा बताए जाने से के कारण वो जो है रिनाउंड हुआ, मतलब प्रसिद्ध हुआ, काफ़ी फेमस हुआ, उसको लोग जानने लगे। और किस नाम से उसने पहचान अपनी बनाई, पेंटर विदाउट हैंड्स, ठीक है, न कि इंडिया में बल्कि पूरे इस आर्ट वर्ल्ड में, जो भी संसार है कला जगत का, उसमें उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो यहाँ ये अब आपका चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है, कैसे भी परिस्थिति हो। जैसे उसने हाथ गंवाने के बावजूद भी अपना नाम कमाया, इस तरह से हमें भी कभी भी कोई चीज़ की कमी होने पर निराश नहीं होना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए, ठीक। अब यहाँ कुछ ग्लॉसरी दी हुई है, एम का मतलब क्या है, ठीक है। आर्म्स, यहाँ एम लिखा हुआ है, ये आपका एम नहीं होगा ये, ठीक है, आर्म्स होगा, ए एल है यहाँ पर, ठीक है। आर्म्स मतलब चंदा कहना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद है आपका एक्रोबैट, मतलब एथलीट हो गया, ठीक है, खेलने वाला। गेटी मतलब फेस्टिविटी, उत्साह, आनंद, मंगल। मिसमराइज मतलब फैसिनेटेड, आनंदित होना। बिग्यूल मतलब अट्रैक्ट होना, ठीक है। राइटिंग, राइटिंग जानते हैं, टू टर्न एंड रोल योर बॉडी अबाउट, ठीक। क्यूअर मतलब हिलना, अचानक से कांपने लगना। एम्पिटेटेड मतलब कट ऑफ। बिफडल मतलब कन्फ्यूज, ठीक है। तो ये आपकी वर्ड्स मीनिंग है, इन्हें भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। होमवर्क है, आप इनको करिए अपने से, ठीक है, MCQs एंड आपका ये ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये आप करिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।